जिनसे घरों में रौनक है, जिनसे दुनिया में चमक है, जिनसे जिंदगी में महक है, जो इस धरती की संचालक है, जो हम सब की पालक है, यानी लेडीज। और वैसे तो साल के 365 दिन लेडीज के ही नाम है, पर इंडियन आइडल के कैलेंडर में आज से 10 जुलाई है, यानी कि लेडीज इंडियन डे। क्योंकि कुछ लेडीज तो झील का कमल होती है, पर हर लेडी अपने आप में स्पेशल होती है। तिरंगी महारानी का 15th अगस्त 2021 को इंडिया आने का टिकट आ गया है। माय गॉड, कामले काकू एंड काकी, क्या कहना है आपको? आदि, फिरंगी महारानी को बता दे कि मैं हूँ फ्रॉम चूनाभट्टी। मेरे सामने ऐसी चमक चलो कितनी आती है और कितनी निकल जाती है। क्या हवा हवा हर बार रैम करना जरूरी नहीं है। देखते हैं आपसे मिलने कौन आए। मेरा नाम डॉक्टर सारिका मेहता है और बाइकिंग क्वीन चैरिटेबल ट्रस्ट की मैं फाउंडर हूँ। बाइकिंग माना जाता है मेंस डोमिनल वर्ल्ड, और उसमें जब विमेन जब स्टेप इन करती है तो डिफिकल्टी आती है, लेकिन ये हमने एक चैलेंज लिया। हमने पहली अपनी राइड की सूरत से लेके सिंगापुर तक बाइक पे। जाके मंजिलों पे इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। एक सपना और सामने आया, सूरत से लेके हमें लंदन पहुंचना था, कवरिंग 3 continents। ये बाइकिंग क्वीन एक सिर्फ मेरा फेस या किसी का फेस नहीं है, वो हर एक विमेन का फेस है जो ड्रीम देखता है, जिसको ड्रीम पूरा करना है, और वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो आप खुद। बाइकिंग क्वींस, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, एक्साइटेड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, और आपसे मिलके और भी अच्छा हो गया। बहुत सारे फ्रेंड्स हैवी बाइक्स लेके घर पे आ गए थे मिलने के लिए। अरे वाह। तो तभी एक ही विश थी कि बाइक पे बैठ के एक फोटो खींचाना है, दैट्स इट। अच्छा। लेकिन जब मैं फोटो खींचाने गई तो पीछे से आवाज आती है, नहीं नहीं ये बहुत हैवी बाइक है, इट इज नॉट कप ऑफ योर टी। दिस नॉट कप ऑफ योर टी। इतनी हिम्मत? यस, एंड दैट स्ट्रक मी सो हार्ड दैट मुझे दुनिया को नहीं दिखाना था, मुझे खुद को दिखाना था। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि अगर मैं एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ हूं तो दिस इज आल्सो माय कप ऑफ टी, और वही ले लिया मैंने। Absolutely. एक चैलेंज, एक भारतीय नारी जो एक सपना देखती है, और अगर वो अपने आपे में यू नो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आ जाए, शी कैन डू एनीथिंग। आपको साइली ही क्यों पसंद है सबसे ज्यादा? एक चेकलिस्ट में था कि इंडियन आइडल का सफर तय करना है गुजरात से, तो हम यहाँ आ गए आज और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी फरमाइश है बन्नो तेरा स्वैग, जिसके लिए हम स्पेशली यहाँ आए हैं सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। साइली के जोरदार तालियां, ऑल द बेस्ट। जिम्मेदारी,
Wow. This moment belongs to the biker queens and Saili. आपने माँ कसम हिमेश सोनू नहीं नहीं बोलो अरे 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 सर लेकिन मैं एक सेकंड रिजवाना जी नमस्ते नमस्ते बहुत अच्छा लगा आप इंडियन आइडल पे आई हैं और बहुत मुश्किल होता होगा मैम बहुत मुश्किल है था पहले पहले ये काम में बहुत रिक्स हुआ बहुत रोई मैं कुली पूछना ना लेडीज होके उधर 50 लड़के हैं ना उनके सामने कैसा मैं कुली पूछ के लूं बोल के बहुत रिक्स उठा के कुली का काम करे मेरा नाम रिजवाना है मैं मैसूर रेलवे स्टेशन में कुली का काम करती हूँ मेरे हस्बैंड थे ना इधर कुली का करते थे वो डेड हो गए इसलिए मैं जाके रेलवे में पूछी ऐसा मेरा काम दियो बोले आपको काम लेडीज को होता क्या बोले हाँ होता है मैं कर सकती हूँ काम क्या करें अब मेरे बच्चे छोटे छोटे ही कौन भी देखने वाला नहीं इसलिए मैं काम करती हूँ बोल के जिससे ये काम करना पड़ रहा है लॉकडाउन जब से उधर कोई भी काम ढंग से नहीं लोग नहीं आ रही कमाई नहीं है फुल परेशानी उस पर से एक्सलेटर आ गए लिफ्ट आ गए बहुत तकलीफ हुआ 150-200 रुपए कमाने बहुत मुश्किल एक औरत सब कुछ करती है घर का बोझ भी उठाना पड़ता है बाहर का बोझ भी उठाना पड़ता है मेहनत है ना इसलिए करना ही पड़ता है मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हैट्स ऑफ टू यू मैम मेरे बच्चे के लिए मैं कुली ढोना ही पड़ता जिंदगी भर जिंदगी से हारी हारी 10 साल हो गया कोई भी सपोर्ट नहीं करता कुछ अम्मा बाबा भी नहीं कुछ सास ससुर भी नहीं इसलिए मैं काम कुली का ही ढोना पड़ता है शाम को गोली खाती हूँ सुबह लगेज ढोती हूँ ख्वाबों ने भी माफी मांगी मैम आपके इस जज्बे को सलाम है जेन्युइनली और आपको देखकर ये बात तय हो जाती है कि एक माँ अपने बच्चों को पालना ही पड़ता है ना पालने के लिए और कुछ भी करना पड़ता है पिलाने के लिए हम नारी शक्ति के बारे में बात हमेशा करते हैं लेकिन आज हमको साक्षात आज नारी शक्ति देखने को मिल रही है एंड रोइए बिल्कुल नहीं अब आपके 4 बच्चे इंडियन आइडल के भी बच्चे हो गए हैं और आज आप दानिश को सपोर्ट करने आई हैं दानिश बहुत लकी हैं गाना बहुत पसंद है मुझे जी वो दानिश का गाना उनका गाना ही सुनते ही मेरा दिल की थकान पूरी दूर हो जाता है जब मैं प्लेटफॉर्म में बैठती हूँ ना खाली उनका ही गाना सुनती हूँ वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जी बिल्कुल तो दानिश सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको इंडियन आइडल की ट्रॉफी मिल गई है क्योंकि अगर आपके गाने से मैम की थकान मिट जाती है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है इससे बड़ा तोहफा आप अपनी कला के जरिए नहीं पहुंचा सकते हैं लोगों के दिलों तक जेन्युइनली मैम कौन सा गाना आप रिक्वेस्ट करेंगी वो दानिश के लिए कौन सा गाना पसंद है वही गाइए मुझे वो सब गाने पसंद है अरे वाह क्या बात है दानिश दानिश मैं आज आपके लिए गाता हूँ कर हर मैदान फतेह थैंक यू मैम थैंक यू मेरे लिए आप यहाँ पर आए रिजवाना जी सिर्फ मुझे ही नहीं आज आपने हर हिंदुस्तानी के दिल को छुआ है आप करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती हैं और एक छोटी सी मेरी तरफ से आप भेंट ले लीजिएगा आज आज की एपिसोड की जो भी मेरी कमाई होगी वो मैं आपके बच्चों के लिए देना चाहता हूँ हैट्स ऑफ टू आदि वाह
अरुणिता इतने अच्छे से निभाया है, मैं कहूँगी बहुत गट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इनफैक्ट आपने अंतरा इतना खूबी से निभाया, पूरा अंतरा मुझे बहुत खूबसूरत लगा. क्या एक बार आप वो मेरे लिए प्लीज़ गाएंगे? नमस्कार. बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप सब. उड़ान लेडीज ग्रुप, ये लेडीज ग्रुप आपने शुरू कैसे किया? हम लोग अपना पैशन पूरा करने के लिए ये ग्रुप बनाया है. जो हमारी अभी सेकंड इनिंग शुरू हुई है, हम लोगों का जो पैशन छूट गया था, जो हम लोग कर नहीं पाए थे, वो सब करने के लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं. जब बच्चों से फ्री हुए हैं तो किस किस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं आप लोग अपने लेडीज क्लब में? एक्चुअली हमारे ग्रुप में सारी लेडीज वेरियस एक्टिविटीज करती हैं. जैसे बाबी को कुकिंग का शौक है, मेरी सिंगिंग हॉबी है, ये एरोबिक्स करती हैं. क्या बात है, मतलब फिर से उड़ान भरना है, दिल जी भर के जीना है, जो दिल चाहे करें. क्या बात है. मैं इवेंट करती हूँ, छोटा छोटा इवेंट करती हूँ. आपका शादी का तो नहीं हो पाया, और दूसरा इवेंट में हम लोग को जरूर बुलाएंगे, हम प्लानिंग करेंगे. आपके इवेंट के थ्रू नहीं हो पाया, नेक्स्ट में हम लोग को बुलाएंगे. जी अगली शादी में मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा.
तुमने तो आज हिला के रख दिया यार। सर आपका आशीर्वाद। फिर भी यहाँ खूबसूरत है,
ब्यूटीफुल यार पवनदीप, सुपर खूबसूरत महिला जिन्होंने कभी वो पाथ नहीं चुना जिसमें सब चल रहे थे। जब कई जर्नलिस्ट स्कैंडल, स्कूप्स और गॉसिपिंग की रानियां बनकर घूमती थी, ये सही, सटीक और स्पष्ट बातों के लिए जानी जाती थी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लेटर्स टू मदर से लेकर हेमा मालिनी जी के ऑथराइज बायोग्राफी से लेकर अमिताभ बच्चन जी द लेजेंड जैसी दिग्गजों पर किताबें लिखने वाली एक दिग्गज महिला जर्नलिस्ट, ऑथर, फिल्म क्रिटिक और एक ऑनेस्ट इंसान, पद्मश्री भावना सोमाया। भावना जी, इंडियन आइडल पे आपका स्वागत है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आई हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये शो मैं शायद ऑडिशन से देख रही हूँ और कहाँ भी मैं अगर होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आई रीच ऑन टाइम होम टू वॉच दिस। पहले जब शुरू हुआ था तो ये लोग सब बहुत ही अनग्रूम्ड, रॉ, धीरे धीरे सबके मेंटर उनको अच्छे मिले हैं, तो अभी तो एकदम दे आर रेयरिंग टू गो। तो आज मैं शनमुखा के लिए आई हूँ। बहुत ही उम्दा सिंगर है शनमुखा। आई थिंक यू नो दैट यू आर वेरी स्पेशल एंड आप अच्छा गाती हो, क्लासिकल भी गाती हो, मॉडर्न भी गाती हो, आप यूडलिंग भी बहुत अच्छा करती हो। तो प्रॉब्लम आपके लिए मेरे हिसाब से ये आएगी कि जब आप मैदान में उतरोगे तो म्यूजिक डायरेक्टर के लिए दुविधा हो जाएगी कि आपको कौन सा गाना दिया जाए। क्योंकि आपके अगर एक उनकी जो भी दुविधा है, आपका रवैया ये होना चाहिए कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मल्टी टैलेंटेड, इट्स योर प्रॉब्लम, डील विद मी। Ma'am, please enjoy the seats and the show. And Shanmukha Priya, all the best. Aye, ma'am. Hum the wo thi, hum the wo thi, aur usma rangi na samajh gaye na. Jaate the swapan na samajh gaye, seen na samajh gaye na. An 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 pyar ho gaya. Hum the wo thi aur usma rangi na samajh gaye. जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अन 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 प्यार हो गया। उसने खींचा, आ हा हा।
अने 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 प्यार हो गया। Oh my God! Oh, wow! Wow! निहाल आज तूने हद कर दी यार। वो जगह बिफोर ओ मन्नू उससे पहले जो तेरा अंतर गाना प्लीज प्लीज। खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो। कोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो। क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो। हम थे वो थी और समझ गया अने 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 प्यार हो गया। ओ मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। निहाल फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। इस हफ्ते हम लोगों ने हमारे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लेजेंड, एक पिलर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, दिलीप साहब वो हमारे बीच नहीं रहे। आज हम सब दिलीप साहब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनकी फिल्में हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनका काम, उनकी जो यादें हैं वो हर पल हमें इंस्पायर करेगी। दिलीप साहब इज द बिगेस्ट लेजेंड एवर। एचआर, आई थिंक दिलीप साहब के लिए एक गाना तो गाना बनता है। बिल्कुल। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ओहो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.